गया तो बताओ, मैं केस चालू कर देता हूँ। सेलिब्रिटी केस दिखाने आ गए मुंह उठा के। ए तू तीसरी बार आया ना, शर्म नहीं आती? बार बार कोर्ट आ जाता है। अयो आप भी तो रोज आता जी। ऑर्डर ऑर्डर, दो समोसा, एक फंटा, चार मेदू वड़ा और कुछ एक कटिंग चाय। बहन का ससुराल समझ के रखा है। अदालत है अदालत, क्या केस है आज का? सर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। क्या, तो आपका पति आपको मारता है? जी झूठ बोल रही है सर। हमारा केस है। तो आपका पति आपको मारता है? हमारा मतलब मेरे क्लाइंट जॉनी डीप का केस है। अच्छा तो आपका पति आपको मारता है? ये तो मेरे से बड़ा बेवड़ा निकला। ये अंबर हार्ड मेरे क्लाइंट पे बहुत हार्ड है सर। ये इनसे बर्तन मंजवाती है, कपड़े धुलाती है, पॉटी साफ करवाती है, फिर मारती भी है। गले में कुत्ते का पट्टा डाल के नहीं घुमाती? नहीं, मेरी वाली तो घुमाती। चुप रहे, जा चाय लेके आ। सर अदरक मार के लाऊं या इलायची मार के लाऊं? अदरक वो तो नहीं मिलेगी। तो इलायची वाली ला। वो भी नहीं मिलेगी। तो सादी चाय ला। सर आइस टी या गरम चाय? गरम चाय। वो तो नहीं मिलेगी। कल रात को चंचला नहीं आया था तेरे घर पे? नहीं सर। तो जा आइस टी लेके आ। हाँ आगे। माय लॉर्ड, हद तो तब हुई जब एम्बर हार्ड ने मेरे क्लाइंट जॉनी भैया की उंगली काट दी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवरलोडेड। अयो ये तो पहली बार था जी। तेरा पिछले दो बार का मिला के ओवरलोड हो गया है। पीछे बैठ और आप उंगली करो। सॉरी उंगली दिखाओ। ये देखिए। अरे रे रे। ए तेरे को क्या हुआ बे? आइला मेरे पास छह उंगली। जॉनी भैया आपको उंगली चाहिए? चलो हो गया केस सॉल्व। इसकी उंगली काट के इनको लगा दी जाए। अरे माय लॉर्ड हमारा मानहानि का केस है। अभी तो उंगली काटने का केस बोली। सर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। पिंकी जी आप पहले ये डिसाइड करो, मानहानि का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या उंगली काटने का केस है? का केस है। क्या, उसने चाकू तो मेरा नुन्नू काटने के लिए फेंका था, मैंने हाथ बीच में डाला तो उंगली कट गई। आई यू ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। क्या ऑब्जेक्शन, क्या ऑब्जेक्शन? मेरे बच्चे को दिन में जितनी बार टट्टी नहीं आती उतनी बार तो तेरे को ऑब्जेक्शन आते? कोई और काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? सर नीचे बैठो, कच्चा फटा आपका। बोल क्या बोलना है? अयो मेरे क्लाइंट को सफाई का मौका मिलना चाहिए जी। हाँ तो वो रहा झाड़ू, पूरा कोर्ट साफ होना चाहिए। अयो मेरा मतलब उनकी भी बात सुन लो जी। हाँ बकिए क्या बकना है जी। उस दिन सुबह के 12 बजे थे, मैं सोफा पे सोने चली गई, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे बाथरूम में जेट स्प्रे से दूध निकल रहा था सर। क्या, मैं किचन में भागी तो अचानक मेरे कुत्ते ने मधुमक्खी पे पैर रख दिया सर। ये आदमी ने मेरी जिंदगी का भूपड़ा कर दिया है। एक मिनट, पहले तो आपके जेट स्प्रे से दूध निकला जी, फिर आपके कुत्ते ने मधुमक्खी पे पैर रख दिया जी। यार इसका कैरेक्टर मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है, चालाक है या चूतिया? चुप रहे, फिर आगे। फिर मैंने देखा कि जॉनी बंके पे बैठ के दारू पी रहा था। क्या बात कर रही है? फिर मैं बाजू वाले पान टपरी से एक मुर्गी कटवा के लाई। मैंने दो लेग पीस जॉनी को दिए और एक मैं खुद खा गई। मुर्गी के तीन पैर होते हैं? शायद मुर्गा होगा। हाँ फिर आगे। फिर जॉनी को मेरे हाथ की मटन बिरयानी इतनी पसंद आई, वो उंगलियां चाटते चाटते अपनी उंगली खा गए सर। बहुत बहुत हरामी है। जॉनी भैया आपको इतनी पसंद आई मटन बिरयानी, आप उंगली खा गए? पता नहीं क्या बक रही है सर, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। अच्छा ये औरत को माल कौन सप्लाई करता है बे? अयो गंजू है जी, वो भी वहाँ पे आया था उंगली काटने के बाद। हाँ तो बुलाओ उसको कटघरे में। ए तेरे को बोला मैं, बुलाओ उस गंजू को। जी एनसीबी की जान, सस्ते माल की दुकान, टफ कॉम्पिटिटर ऑफ संजू, कटघरे में हाजिर हो गंजू। यो वो अप, क्या उल्टी आ रही है? स्क्रिट बूम बूम स्लैक आई से वो अप। अरे यार इसको कोई कांदा या जूता सुंगाओ। अयो वो आपको व्हाट्सएप बोल रहा है जी। अच्छा ऐसा आ रहा है। आई एम गुड मैन, व्हाट्सएप, आई एम कूल। जूता बड़ा प्यारा पहना है, कहाँ से लिया? लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। पिंकी जी आप सवाल पूछो। हाँ तो मिस्टर गंजू शाड़ी, क्या आप सामने बैठी महिला को जानते हो? फाशो प्रीमियम कस्टमर, शी इज फॉर रियल मैन, शी इज फॉर रियल। मतलब नेस्टी एस स्क्रिप्ट बूम बूम स्लैक। बंद कर तेरा बूम बूम स्लैक, मैं तेरा हथौड़ा गाली डॉक्टर। दादा भड़कू नका, वो क्या है ना एक्सेंट में बात करता हूँ ताकि लोगों को माल जेन्युइन लगे। क्या जेन्युइन, धनिया डाल के बेचता है, धनिया डाल के बेचता है। इसको दफा 420 करने के जुर्म में जेल में डाल के पिछवाड़े पे धनिया से गुदगुदी करो। अयो ये हमारा विटनेस है जी। भाड़ में गया तेरा विटनेस, लेके जाओ इसको। तो मैं अपने दूसरे क्लाइंट को बुलाना चाहूंगा जी, जय सिंह मोमो वाला। ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। वो दाढ़ी वाली जलपरी। अच्छा वो लकवामैन? नहीं एक्वामैन। नहीं नहीं उसको नहीं, लास्ट टाइम कोर्ट में आया था तो आधे लोग डूब के मर गए। ए तेरे पास कोई नॉर्मल विटनेस नहीं होता क्या? मेरे पास है। कौन? एम्बर हार्ड का एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ तो बुलाओ। मीमर ओके मीमर, ट्विटर पे गेमर, छोटे छोटे पॉकेट बड़े बड़े रॉकेट, एम्बर हार्ड का एक्स बॉयफ्रेंड इलॉन मस्क हाजिर हो। इलॉन मस्क। ऑर्डर ऑर्डर, क्या लगा के रखा है? ए छह उंगली नीचे पे।
आप तो वही हो ना जो ऑटोमेटिक गाड़ी बेचते हो फैसला। हम तो टेस्ला बेचत बा, फैसला तो आप ही बेचो। यार तेरी ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदी तो उसने मेरे को रिमोट और सेल दिया ही नहीं। तेरे से अच्छा तो वो मेले वाला व्यापारी है। हमारे गाड़ी को रिमोट वा नहीं लगता, ऑटोमेटिक चलत बा। क्यों टार्जन है तेरी गाड़ी, कल बोलेगा बदला भी लेती है। ये AI टेक्नोलॉजी से चलत बा, तो के ना समझ आई। इतना स्मार्ट है तो ये 3 लेग पीस वाली मुर्गी के चक्कर में कैसे पड़ गया? अरे कहा बताए भाई साहब, ये कोई हमार गर्लफ्रेंड वा नहीं रही। एक दिन जॉनी भैया का कॉल आए रहे, बोले इके प्यार में फसाई के ससुरी को रॉकेट में बिठाई के स्पेसवा में छोड़ गई। हम इके रॉकेट में बिठाई तो ससुरी हमरा रॉकेट वा में हक के चली गई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को अपनी सफाई का मौका दिया जाए। हाँ तो भेज दे उसको रॉकेट साफ करने, और इसके जाने के बाद कटघरा तू साफ करेगा। अयो सफाई मतलब बोलने का मौका जी। हाँ बकी है क्या बकना है जी। उस दिन ये मुझे रॉकेट दिखाने लेके गए, थोड़ी देर बाद अचानक टुक 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 आवाज आने लगा। मैंने खिड़की से देखा तो हेलीकॉप्टर का पंखा शुरू हो गया था। मैंने ड्राइवर को बोला फैन थोड़ा सा कम कर दो, मेरे को ठंडी लग रही है। पता नहीं पायलट का शायद पेट खराब था, उन्होंने मुझे वही उतार दिया। तो पॉटी मैंने नहीं, जहाज के कप्तान ने किया जज साहब, मैं बेकसूर हूँ। भाई तूने इसको हेलीकॉप्टर में बिठाया था, प्लेन में बिठाया था या जहाज में बिठाया था? भैया इके तो हम रॉकेटवा में बिठाई रहे। हाँ तो उसमें ड्राइवर था, पायलट था या कप्तान था? एस्ट्रोनॉट वा रहे। हाँ तो बुला उसको जल्दी, मेरे दिमाग के लोचे लगा दिए इसने। गंजू तू रॉकेट उड़ाता है? फशो मैं, when you get high everything flies। तूने रॉकेट में टट्टी किया? That's whack man, not my style। I do boom boom skirt। बंद कर तेरा टिक टिक बूम बूम। दादा भड़कू ना का, मेरा फ्लो में निकलता रहता है। वापस निकला तो सुई धागा लेके तेरे बॉडी के सारे फ्लो बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, सिर्फ शुद्ध हिंदी में बात करेगा तू अब से। जो आज्ञा प्रभु। हाँ तो मिस्टर गंजू। जी माते। क्या इस औरत ने रॉकेट में पॉटी की थी? निसंदेह इन्होंने हमारे अग्निबाण में सोचदान किया था। यार बड़ी संस्कारी लड़की है। माय लॉर्ड वो बोल रहा है कि एम्बर ने रॉकेट में पॉटी की थी। तो हिंदी में क्यों नहीं बोला? क्षमा न्यायाधीश महोदय। नहीं मानेगा, ए इसको लेके जाओ रे, सुई धागा लेके बॉडी के सारे छेद बंद कर दो। तो अभी क्या हुगुरु में बोला? अभी कुछ नहीं हो सकता, लेके जाओ। ये आम आदमी के खिलाफ अन्याय है सर, मैं आवाज उठाऊंगा। आज के बाद ना नुन्नू उठेगा ना आवाज उठेगा। चढ़ तमाम गवाहों और जलीलों को मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या? कंट्रोल सर कंट्रोल, सॉरी वो फ्लो में निकल गया। सुई धागा लाओ। चुप रहे। मद्देनजर रखते हुए इलॉन मस्क को ये आदेश देती है कि वो मुस्लिम एम्बर हर्ड को प्लूटो पे छोड़ के आए। ये अदालत जॉनी भैया को ऋतिक की छठी उंगली लगा के ऋतिक को छठी क्लास में भेजने का आदेश देती है। ये अदालत वकील चूड़ा अन्ना को वकालत छोड़ के अंटार्कटिका के ग्लेशियर में पेंगुइन की गांड धोने का आदेश देती है। प्रयास अन्ना। ये अदालत वकील पिंकी को हमारे साथ गोवा ट्रिप पे भेजती है। द कोर्ट इज अर्जेंट, सुसु लगाए मेरे को, हट जा आई से तुम दोनों। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। बहुत जल्द हमारे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले। अगर आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं करते तो आपको भी गंजू के साथ जेल में डाल दिया जाएगा। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। मेरी पार्टी हो गई। वाला पार्ट इसके बाद क्या हुआ? सजा उन लोगों को मिला। अरे सही, सही में बहुत बहुत जबरदस्त ये लोग कंटेंट बनाते हैं। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।